ਚਲਦੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੂਨ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਢਿੱਡ ਵੀ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਆਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਓ ਜਾਣੋ पंजाब के मोहाली जिले के सेक्टर 99 में एक 15 साल की नाबालिग की अचानक मौत हो जाती है। पंखे से लटकती हुई उसकी बॉडी मिली है। हालांकि अब परिवार वाले यहां इकट्ठा हुए हैं और परिवार वालों का आरोप है कि उसका मर्डर करके उसको टांगा गया है, क्योंकि उसके बताया जा रहा है कि उसके खून भी उसके निकल रहा था मुंह पर। मैं कंपनी में था, मैं काम कर रहा था, वहां पे मेरे को फोन किया, उन्होंने तुम्हारी बहन गेट नहीं खोल रही है। अच्छा। तो उन्होंने, मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। वहां पे मैं पहुंचा, मेरे को गार्ड ने बताया तुम्हारी बहन ने फांसी लगा लिया। तो मैंने वहां से सर से पूछा जाए, चलो मेरे को दिखाओ, चले देखे कहाँ रूम पे बंद किया, तो उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया। ठीक है। फिर पुलिस वालों ने मना किया, ऐसे तुम नहीं जाओगे, तो मैं बोला मेरे को तो देखना, तो मेरी बहन है। फिर बड़ी मुश्किल में मेरे को जाने दिया, तो मैंने घूम के देखा तो उसमें फांसी में लगी हुई थी और नीचे टेबल रखा हुआ था, ना टेबल गिरा और जमीन में पैर लगे हुए हैं। कुछ सुसाइड नोट या कुछ ऐसा नोट वगैरह मिला था? कुछ नहीं मिला है, नहीं मिला था। और रात को मेरे को मंगलवार को 11 बजे रात को मेरे से बात भी हुई थी, बात हुई थी। तब हंसी खुशी बोल रही थी, बात हुई थी। फिर बुध को कुछ शाम को कोई बात हुई थी? नहीं, मेरे से बात नहीं करा रहे हैं। मेरी लड़की सुबह से फोन कर रही थी, स्विच ऑफ जा रहा था। ठीक है, उसके बाद आपकी कोई बात हुई? नहीं कराई है कोई बात। मैं यही लड़की से कह रहे थे, बिटिया से बात कराइए, वो फोन ही नहीं उठाया है। अच्छा, कितने दिन पहले लगी थी? अरे 2.5 महीना हो गई है बस। हाँ। तो आप कभी गए नहीं मिलने? नहीं, नहीं मिलने कभी नहीं गए, कभी गए ही नहीं है। दिनावान फोन के लगभग नहीं, लड़की को बताया मैं पागल हो गए, मेरे को दिखाई नहीं रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे, ना बता रहे ना कुछ। कोई बात, क्या शिकायत दी है? पुलिस हमारे तरफ मतलब इंक्वायरी उनके तरफ कुछ नहीं कर रही है, ना मेरी रिपोर्ट वो मिल गई है, ना कुछ किया गया है। तो इनको जबरदस्ती वहाँ पे लेके गए हैं, बस साइन करवाया, कहते इस पे साइन करो। देखने तक भी नहीं आए? देखने तक का नहीं आए। वही नीरज कुमार, जब से मिट्टी लेके आए वहाँ से उठा के, वो देखने तक भी नहीं आए। साथ उनको आना चाहिए था, वो साथ भी नहीं आए, वो शाम को आए, कल शाम। आपकी जो मालिक से बात हुई थी आप लोगों की? नहीं सर, नहीं नहीं सर, मालिक से बात नहीं हुई कोई बात। शाम को जब ये साइन सुन करवाए, जब बुलाया मालिक को। अच्छा, हाँ जी। क्या कहते मालिक? फिर हमारे से बात नहीं हुई, ये मालिक क्या कहते? ये चले गए मालिक, यही बोलता, कहता मैं तो ड्यूटी पे था, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा, बस यही मेरे से बोला, बाकी कुछ नहीं। सर मैं गया था देखने, तो मेरे को बॉडी नहीं देखने दिया, मैंने कहा मेरे को बॉडी देख लेने दो, कहता दूर हट जा, बॉडी नहीं देखने देंगे। कौन बोलता? वो मालिक और पुलिस वाला सारे हते वहाँ पे। अच्छा। जो हते, फिर जब बॉडी उतारी गई तब ना मालिक आया साथ में, और यहाँ अस्पताल तक 4 बजे तक कल फोन किया गया, वो मालिक नहीं आया। फिर वो पुलिस वाला लेने गया था, जो बॉडी वहाँ से लाया था। अच्छा। वो लेने गया था। देखा था वैसे बॉडी? देखा बॉडी? मैंने देखी थी बॉडी, ऐसे कुछ भी नहीं था, उसको चद्दर चुद्दर सारी ऐसे बिगड़ी पड़ी है उसको। कहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं साबूत बोल रहा हूँ कि वो सच मार के टांगा है। अच्छा। हाँ, मार
पूरा पेट हुआ हम लोग देखा उसका पेट सर सूजा हुआ मुंह सूजा हुआ। एक घंटे की बॉडी होती, दो घंटे की बॉडी होती, टेढ़ी बॉडी नहीं होती। हम भी देखा है कि सीधी बॉडी होती है उसका, पता है मुंह उसका मुंह पेट भी सूजा हुआ उसका मुंह भी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें यकीन है पूरा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कई चीजों को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसकी पूरा पोस्टमार्टम के बाद ही अब पता चल पाएगा कि किस तरह की जो है वो सीसीटीवी कैमरे मेरे को चेक करा है। सर कमल सिंह बोले मैंने चेक किए, लेकिन अब मुझे पता नहीं चेक किए हैं कि नहीं। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से कर रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या निकलता है, सुसाइड है या किस तरह से, सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पोस्टमार्टम में पता चलेगा। जैसे इन्होंने बताया कि उनके खून निकल रहा था या पेट में स्वेलिंग थी, ये सारी चीजों को लेकर अब पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। किसी तरह से कोई जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, हंस हंस के बातें कर रही थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हालांकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो मालिक है उनसे भी बातचीत की गई है, उनका कहना है कि वो ड्यूटी पे गए थे और अचानक पीछे आकर देखा तो पंखे से लटकी हुई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या क्या चीजें हैं, इसको लेकर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है। मोहाली से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।